हेलो दोस्तों, SS होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये पौधा देखिए, ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। आप सब ने भी अपने घर में ड्रैगन फ्रूट को लगाया ही होगा। बड़ा एग्जॉटिक प्लांट है, इसका फ्रूट तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप जानते हैं मार्केट में आजकल छाया रहता है और काफ़ी कॉस्टली मिलता है, लेकिन आप सब ऐसे गार्डनर्स हैं जो फ्रूट को पसंद करते हैं, तो आप सब ने ड्रैगन फ्रूट को घर पे लगाने की कोशिश ज़रूर की होगी। मेरे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इसे लगाया, पॉट में भी लगाने की कोशिश की, लेकिन सबकी एक सी शिकायत है कि उसमें फल नहीं आते। जबकि आप अपनी स्क्रीन पे ये फ़ोटो देखिए, और मैंने पिछली वीडियो भी अपलोड की थी कि ड्रैगन फ्रूट पर फल कैसे प्राप्त करें। तो हमारे यहाँ तो फल आते हैं, लेकिन जिनके वहाँ नहीं आते वो किस कमी से आते हैं और क्या करना है? अगर लास्ट वीडियो में आपने देख के खाद भी डाल दिया फिर भी फल नहीं आए, तो आगे क्या करें? इसके लिए मैं आज ये वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। इसमें मैं आपको एक आसान सी और सिंपल सी जादुई ट्रिक बताऊँगा, जिससे आपके ड्रैगन फ्रूट में भी ढेरों फल आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में आगे सब कुछ बताऊँगा, लेकिन उससे पहले यही गुजारिश है कि अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये जो ड्रैगन फ्रूट का पौधा है ना, ये ग्रोथ में बड़ा एक्सपर्ट है। मतलब कि आपने इसे कोई खाद वाद नहीं देना है और ये बढ़ता जाता है, लेकिन फल देने में ये थोड़ा सा कंजूस है, सॉरी थोड़ा नहीं ज़्यादा कंजूस है। तो उसमें आपको इसे याद दिलाना है कि बेटा तुम्हें सिर्फ कांटे देने के लिए नहीं बल्कि फल देने के लिए लगाया गया है। तो ये याद कैसे दिलाना है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि आपको इसे एक स्पेशल टॉनिक और फर्टिलाइज़र देना है। अगर आप देंगे तो आपका पौधा तेज़ी से फ्रूट्स देगा, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी नहीं दे रहा है, तो तब क्या करें? तो दोस्तों ये जो है मई जून का महीना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए होता है। इसमें आपको क्या करना है, ये आपका पौधा है, एक प्रूनर लेना है अच्छा सा और इसकी टिप को इस तरह से काट देना है। आई नो ये थोड़ा सा हार्श है, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन आपको काट देना। देखिए मैं इसे भी काट रहा हूँ। जब आप इसे काटेंगे तो इसे इस बात का एहसास होगा कि बस इसे जितनी ग्रोथ इससे आपको चाहिए थी वो मिल चुका है, इसका बढ़ने का मिशन पूरा हो गया है और अब इसे नए काम को अंजाम देना है जो कि फ्रूट प्रोड्यूस करना है। तो दोस्तों मई जून के महीने में इसे एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप कर दीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपका पौधा बहुत तेज़ी से इसमें फ्लावर्स आएंगे, और फ्लावर्स आएंगे फिर जो मैंने खाद पिछली वीडियो में बताई वो खाद देते रहिएगा, आपका पौधा ड्रैगन फ्रूट से बढ़ जाएगा। अभी मैं ड्रैगन फ्रूट्स पाने के लिए, ताकि मेरा पौधा भी ड्रैगन फ्रूट से भर जाए, इसके लिए मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ, इसकी टिप को काट रहा हूँ। इसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी मैं एक से डेढ़ महीने में इंशाल्लाह ज़रूर अपडेट करूँगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए, SS होम गार्डन को विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।